हाँ बोलिए, जो अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर का, इसमें क्या चेंजेस देख रहे हैं बताइए। सर, पेशाब का फ्लो जो है, धार जो है, तो बढ़िया आ रहा है। अच्छा ये कई बार के मेडिसिन का जो आपने भेजा था, लेकिन कभी कभी सर जो पेन इसके नीचे गिरने लगता है पेशाब। अच्छा अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम हुआ, लेकिन ऐसे इम्प्रूवमेंट ठीक ठाक हुआ है आपको लग रहा है, जी, सर पहले से काफी बढ़िया हुआ है। ठीक इस बार की दवा से, लेकिन मतलब कल से थोड़ा पेशाब का परेशान धार था। वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, धार ठीक से आ रहा है, अभी फ्लो ठीक से आ रहा है। जी, कभी अच्छा कभी वो हो जाता है ना सर, पेन के नीचे गिरने लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जिस पेशेंट का आवाज सुन रहे थे, इस पेशेंट को बेसिकली यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम है, यानी पेशाब की नली में इनका सिकुड़न है, जिसके कारण से इनका पेशाब बूंद बूंद आया करता है, पतली धार में आया करता है, ठीक से नहीं आया करता है, फ्लो ठीक से नहीं बनता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है, दर्द होता है, पेट फूल जाता है। और इस प्रॉब्लम के लिए इस पेशेंट ने IOU किया हुआ है, जो इसका सर्जरी होता है वो किया हुआ है, लेकिन यूरेथ्रोप्लास्टी करने के बाद भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। कुछ साल तो ठीक थे, कुछ साल क्या, 1 से 1.5 साल तक वो मेरे ख्याल से ठीक थे, उसके बाद फिर से इनका अंदर प्रॉब्लम वही चालू हो गया, वही फॉर्मेशन फिर से डेवलप हो गया स्ट्रिक्चर का। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि स्ट्रिक्चर को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग जो है इसको स्ट्रिक्चर को ठीक कर सकता है, एलोपैथी में ऐसी कुछ मेडिसिन से, सर्जरी से आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि ये जो फॉर्मेशन है ये बार बार डेवलप ना हो, रिकरेंसी ना हो, ये रिकरेंसी ना बनने देना ये सबसे बड़ी बात है, इसको कौन तोड़ पाता है ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका एकमात्र इलाज है होम्योपैथी, होम्योपैथी में ही ये जो टेंडेंसी है बार बार स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन का, इसको हम लोग रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाकी और कोई पैथी नहीं है जो इस टेंडेंसी को, इस बार बार स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन का जो एक रिकरेंसी का जो टेंडेंसी है, इसको तोड़ने के लिए बाकी और कोई पैथी नहीं है, कोई मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाएगा, एकमात्र एक पैथी है वो है होम्योपैथी। हम लोग कई सालों से हम लोग इसको देख चुके हैं, इसको ठीक तो करते ही है, साथ ही साथ ये जो टेंडेंसी है रोकने का ये सबसे बड़ा सवाल है, कैसे आप रोक पाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिक्चर का प्रॉब्लम है ये कुछ साल में, कुछ महीनों में, एक बार यूरेथ्रोप्लास्टिक कराने के बाद, डायलिटेशन कराने के बाद कुछ ही महीनों में फिर से डेवलप हो जाता है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इसको कैसे आप ठीक कर पाएंगे। ये फॉर्मेशन को रोकना बहुत सबसे बड़ा बात है, जो इस फॉर्मेशन को रोक पाएगा, इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा स्ट्रिक्चर बनने का, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो एलोपैथी में तो वही डायलिटेशन की बात आ जाती है, यूरेथ्रोप्लास्टी हो गया, अब इसको पकड़ो, अब हफ्ता में एक बार कम से कम उसको आप घुसाते रहो यूरेथ्रा में, ताकि फॉर्मेशन फिर से स्ट्रक्चर का ना बने। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता डायलिटेशन करना। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है होम्योपैथी। मैंने बहुत बार बहुत सारे केस में बताया हुआ है कि फॉर्मेशन पेशेंट का रुक गया है, केस को ठीक भी किया है, प्लस फॉर्मेशन रुक भी गया है, पेशेंट को दोबारा इस प्रॉब्लम से मेरे पास आने का दरकार नहीं पड़ा है, 4 साल 5 साल 6 साल हो गया है पेशेंट को, और कोई समस्या नहीं हो रही है, ये फॉर्मेशन फिर से दोबारा डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी इस पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम हमने ठीक किया हुआ है, पेशाब का धार इनका आना स्टार्ट हो गया है, और इस बार जो पेशेंट को मेडिसिन देंगे इससे पेशेंट का प्रॉब्लम और अच्छी तरह ठीक हो जाएगा, पेशेंट को ऐसा फील ही नहीं होगा कि पेशेंट का अंदर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर नाम का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। 65 mg CM का 2 डोज देंगे, इससे पेशेंट का अंदर और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और ये जो टेंडेंसी है बार बार फॉर्मेशन का, तो ये भी इसी से रुक जाएगा, क्योंकि पसर्टिला जो मेडिसिन है ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ही है। तो और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जो फॉर्मेशन है इसको रोकने के लिए, एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का ही दरकार पड़ता है, तो पसर्टिला इज अ ग्रेट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, हमें कोई और मेडिसिन के बारे में सोचने का दरकार नहीं है, पसर्टिला ये काम भी कर देगा, दोनों काम कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पेशेंट को मैं पल्सेटिला ही क्यों प्रेस्क्राइब किया हूँ, जबकि ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कई जगहों से ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन किसी ने भी पल्सेटिला इनको प्रेस्क्राइब नहीं किया है, ओनली आई हैव प्रेस्क्राइब्ड हिम पल्सेटिला विंग फ्लावर। तो ऐसा क्यों? तो जहां से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, यानी रोगी के रोग के नाम पर ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसीलिए परमानेंट क्योर वहां पर नहीं मिला। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं कि होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ 19-20 पेलिएशन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। जब तक आप
रोगी को लेकर नहीं सोचेंगे, जब तक आप जो आपके सामने पेशेंट बैठा है उसका ओवरऑल सिम्टम्स लेके आप नहीं बैठेंगे तब तक आपका रोगी ठीक नहीं होने वाला। तो मैं पेशेंट को लेकर सोचा हूँ। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, उस पर मैं फॉलो किया हूँ। मैं रोगी को लेकर हेडेक पाला हूँ, रोग को लेकर नहीं। मैं रोगी को अगर ठीक कर दूंगा, मेरे सामने जो बैठा है मिस्टर ए बी सी डी, मिस्टर राम श्याम घनेश श्याम जो भी बैठा है मेरे सामने, मैं ओवरऑल सिम्टम लेके उसको अगर ठीक कर दूंगा तो उसका अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है एट ए टाइम वो सभी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। तो मैं पर्टिकुलर एक रोग को लेकर क्यों बैठा रहूँ, जब मेरे पास पूरा पेशेंट सामने बैठा हुआ है तो मैं क्यों ना पेशेंट के बारे में सोचूं। तो पेशेंट को ठीक करिए, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, ये है होम्योपैथी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट पूरी तरह क्योर हो पाएगा, जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन, उस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, मेरा बोलने का मतलब यही था। तो इस पेशेंट का अंदर क्या सिम्टम्स मुझे मिले, दो तीन सिम्टम्स बड़ा प्रोमिनेंट थे पल्सिटी लगे, जैसे कि थ्रस्टलेसनेस, पेशेंट को पानी का प्यास बहुत कम लगता है, पानी बहुत कम पीता भी है प्यास भी नहीं लगता है। सेकेंड, पेशेंट का जो टेम्परामेंट है गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, एकदम माइल्ड टेम्परामेंट, कोई कुछ बोल भी देता है तो थोड़ा शांत स्वभाव का है, उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते है पेशेंट। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें, पेशेंट का नाभि के आसपास थोड़ा सा पेन होता है, दर्द होता है, और वो पेन टेस्टिस से रेडिएट होता है, अंडकोश से नाभि के स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है वहाँ पर थोड़ा सा रेडिएट होता है पेन, ये और एक सिम्टम हो गया पसरटिल्ला का। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें, पेशेंट को खुली हवा पसंद है, ओपन एयर पसंद है, बंद कमरा बंद दरवाजे के अंदर रहना पेशेंट को बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है, पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को सफोकेशन फील होता है, पेशेंट को चक्कर आता है, तो खुली हवा खुली विंडो इनको अच्छा लगता है। और एक सिम्टम था पल्सिटिल्ला का, वो ये था कि इनको दो तकिया लगाना पड़ता है हेड का नीचे, नॉर्मली हम लोग एक तकिया लगाते हैं, इनको दो तीन तकिया लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हेड को थोड़ा ऊपर की तरफ रख के, थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा राइजिंग मोड पर रख के इनको सोने को मन करता है, ये इनको अच्छा लगता है, ये पल्सिटिल्ला का और एक सिम्टम हो गया। और फिफ्थ सिम्टम की अगर बात करें तो पेशेंट का मैंने जीभ देखा था, पेशेंट का जीभ बिल्कुल ड्राई था, बिल्कुल सूखा हुआ था, और वहाँ ड्राइनेस था, पेशेंट खुद बोल रहा था डॉक्टर साहब मेरा जीभ सूख जाता है, ये और एक सिम्टम पल्सिटिल्ला का। तो इन सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को मैं पल्सिटिल्ला प्रिस्क्राइब किया, और कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ ये आप लोग पेशेंट का बात से ही पता कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, रोगी का इलाज करो रोग का नहीं, ये है होम्योपैथी का मूल मंत्र। इसको जब आप समझ जाएंगे तब आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे, यही है मूल मंत्र, यही है होम्योपैथी का प्रिंसिपल। डॉक्टर हैनमैन, डॉक्टर केंट, डॉक्टर नैश यही मूल मंत्र पर ट्रीटमेंट किया करते थे पेशेंट का, और यही सिद्धांत दे के गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।